हेलो गाइस, आज डिस्कस करेंगे 20x40 के प्लान के बारे में। ये 3 BHK के साथ पूरा प्लान कंप्लीटेड बना हुआ है। अगर आप किराए के पर्पज़ से अगर बनवाना चाहते हैं 20x40 मकान, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्लान है। एक बार आप पूरा ध्यान से आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर मैंने क्या दिया है, किस तरीके से दिया, कितने बाई कितने का दिया, सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। विद पिलर के साथ आपको कहाँ पर पिलर देने हैं, कितने बाई कितने पिलर देने हैं, सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अगर आप मुझसे कोई 2D एंड 3D डिजाइनिंग कराना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, मैसेज कीजिए, आपको आपका प्लान मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं प्लान की ओर। ये देख सकते हैं पूरा कंप्लीटेड प्लान बना हुआ है 20x40 में। क्रैक पर्पज से बहुत ही बेस्ट प्लान बनाया मैंने। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 7 फिट का मैंने गेट दिया हुआ है, देख सकते हैं आपको रेड मार्क हो रहा। यहाँ पे आपको 7 फिट का गेट दिया हुआ, गेट से आप अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेस मिल जाएगा, देख सकते हैं। इस स्पेस का साइज मैंने दिया हुआ है 6.5x12 है, देख सकते हैं यहाँ पे 6.5x12 है। उसके बाद आपको यहाँ पे जीने के नीचे भी स्पेस मिल जाएगा, जो आपकी सीढ़ियाँ हैं यहाँ थी चौकी के बाद आपको जो सीढ़ियाँ मिलेंगी ये ऊपर जाने के लिए, यहाँ पर भी आपको खुला स्पेस मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पर करीबन 9 फिट 6 इंच x12 का स्पेस आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 फिट का एंट्री गेट मिलेगा, एंट्री गेट से आप अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे हॉल दिख जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको हॉल दिख जाएगा। इस हॉल का मैंने साइज दिया हुआ है 14 फिट 8 इंच बाई 8 फिट 8 इंच, कुछ इस तरीके से आपको हॉल मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट आपको बगल में ही आपको यहाँ पे सब स्टार्टिंग में आपको एक बेडरूम मिल जाएगा, देख सकते हैं, जैसा कि आप 3 फिट का एंट्री गेट दिया, उसके जस्ट बगल में आपको एक और एंट्री गेट मिल जाएगा। इस बेडरूम का साइज दिया हुआ है 12x9 फिट 6 इंच, 12x9 फिट 6 इंच इसका साइज दिया हुआ है मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हॉल में आपको 2 किचन मिलेंगी और 2 आपको लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड मिलेंगी, देख सकते हैं। एक साइड आपको लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड और किचन आपको मिल जाएगी, और एक साइड आपको लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड और किचन आपको मिल जाएगी। इन दोनों लैट्रिन बाथरूमों का और दोनों किचनों का साइज मैंने दिया हुआ है 5x4 की, यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड दी है, देख सकते हैं 5x4 की आपको साइज दिख रहा होगा। उसके बगल में आपको यहाँ पे सिंक के लिए मैंने स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ पे सिंक लगवा सकते हैं अपनी, देख सकते हैं यहाँ पे सिंक के लिए 2 फिट का स्पेस छोड़ रखा है मैंने, यहाँ पे आपका ये 2 फिट का स्पेस छूटा है, देख सकते हैं। उसके बगल में आपको यहाँ पे किचन मिल जाएगी, किचन का साइज मैंने दिया हुआ 8x5, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिकेटर मैंने 3 फिट का उपलब्ध कराया है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ सामने आपको सेम आपको पोजीशन इस तरीके से मिल जाएगी, फिर से एक किचन मिल जाएगी आपको और एक आपको लैट्रिन बाथरूम कम्बाइंड मिल जाएगी, जिसका साइज मैंने दिया हुआ 4x5 लैट्रिन बाथरूम का दिया और किचन का साइज दिया 8x5। उसके बगल में आपको सिंगल स्पेस दे दिया मैंने 2 फिट का। उसके बाद आपको लास्ट में आपको यहाँ पे 2 बेडरूम मिल जाएंगे, देख सकते हैं ये दोनों के एंट्री गेट आपको कुछ दिख रहे होंगे इस तरीके से। इन दोनों बेडरूमों का साइज दिया हुआ मैंने 12x9 फिट 6 इंच, 12x9 फिट 6 इंच, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12x9 फिट 6 इंच इसका भी साइज है और 12x9 फिट 6 इंच इसका भी साइज है, देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपके प्लान की डिजाइनिंग है। यहाँ पर अब बात आती है कॉलम की, कॉलम कहाँ पर देने हैं। मैंने यहाँ पर 9x9 का यहाँ पर कॉलम दिया, 9 इंच x 9 इंच का, देख सकते हैं आपको ब्लैक ब्लैक मार्क जितने दिख रहे हैं, देख सकते हैं आपको जितने ब्लैक ब्लैक मार्क दिख रहे हैं वहां पे आपके कॉलम दिए हुए हैं, देख सकते हैं। इसमें टोटल 12 कॉलम गए हैं, देख सकते हैं 4 इस साइड और 4 आपको इस साइड और 4 बीचों बीच, देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपकी डिजाइनिंग है। यहाँ पे जीना मैंने आपका 3 फिट का दिया हुआ है, ये आपका जीना 3 फिट का दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप भी मुझसे कोई प्लान डिजाइन कराना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, मैसेज कीजिए, आपको आपका प्लान मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो में धन्यवाद।